अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पेनियर का अकाउंट खोलेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कि पेनियर का अकाउंट कैसे खोलते हैं। सबसे पहले हम गूगल सर्च में दबाएंगे पेनियर एंड वी विल गो टू पेनियर.com। दिस इज सेकंड वन। जैसे ही पेनियर का होम पेज खुल जाएगा तो ये स्क्रीन आपके सामने नजर आएगी। सबसे पहले हमने जाके रजिस्टर करना है, साइन इन करेंगे अगर ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन हम रजिस्टर करेंगे सबसे पहले। ओके, सो यहां से ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने बताना है कि आर यू ऑनलाइन सेलर और ड्रॉप शिपर, अफिलियट डिजिटल मार्केटर, वोकेशन रेंटल, इंडिविजुअल और फ्रीलांसर। हम ऑनलाइन सेलर पे डालेंगे क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग हमने करनी है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट की पेमेंट्स रिसीव करनी है और आप सिर्फ सर्विसेज सेल करते हो तो फिर आप ये वाला डालोगे पहला। अगर आप वेबसाइट बना के और एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो फिर ये डालोगे। अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंडिविजुअल वैसे ही शॉपिया खोल रहे हो और थोड़े बहुत पैसे बाहर से आने जाने हैं तो ये डालोगे। सो हमारे केस में, मेरे केस में मैं ये डालूंगा, ठीक है। एंड सेकंड ड्रॉप डाउन बॉक्स यू आर गेट पेड बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, ठीक है। माय करंट वॉल्यूम पेमेंट इज ऑब्वियसली लेस देन 10,000 बिकॉज वी हैवंट स्टार्टेड। ओके, सो यहां पे आ रहा है ऑनलाइन सेलर और ड्रॉप शिपर गेटिंग पेड बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस। Get paid by all leading marketplaces including Amazon, Wish, Walmart and more. Pay for your online ads. Pay your suppliers for free. Pay your VAT. Manage multiple Amazon stores. So, हम इसको register करेंगे। ये सारी चीजें जो जो हम कर सकते हैं इस account के साथ, ठीक है। तो register दबा दिया। अब ये दूसरा page खुलेगा जहां से ये हमसे information मांगेंगे। तो मैं ये information डालूंगा because यहां पे मैंने कंपनी ऑलरेडी खोली हुई है। सो मेरी कंपनी का नाम है पिज्जा बॉक्स, ठीक है। सो दूसरा ड्रॉप डाउन जो है वो टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी पूछ रहा है। सो हम LTD है, लिमिटेड कंपनी है हमारी। सो वेबसाइट का पूछ रहा है। यस, मैंने वेबसाइट बनाई हुई है लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, ये डाल दिया। फर्स्ट नेम ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो यहां पे मैं अपना नाम ही डाल दूंगा। अपना नहीं, अपनी डॉटर का नाम डालूंगा बिकॉज शी इज द ओनर। एंड लेट्स से द सेकंड नेम, सो सेकंड नेम अली आएगा। ईमेल एड्रेस उसका आएगा, तो ईमेल एड्रेस जाके मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। वन सेकेंड। ओके दोस्तों, ईमेल एड्रेस मिल गया मुझे। ईमेल एड्रेस है FIZA and 0410@hotmail.com. ओके, सो कह रहे दोबारा डालें, तो 0410@hotmail.com. सो इज आस्किंग फॉर द डे बर्थ। सो सबसे पहले ईयर डालेंगे। ईयर यहां पे आएगी, मेरे केस में आएगी 2001। एंड मंथ आएगा अक्टूबर। एंड डेट आएगी द 4th। ऐसे डालते हैं, ठीक है। सो इसको अब हम नेक्स्ट दबा देंगे। एंड नेक्स्ट दबाने के बाद प्लीज फिल इन द फील्ड्स इन इंग्लिश। सो फॉर एग्जाम्पल कंट्री पूछ रहा है, यहां पे आप पाकिस्तान डालोगे, बट मेरे केस में मैं यूके डालूंगा बिकॉज शी इज यूनाइटेड किंगडम सिटीजन, ठीक है। तो यहां पे बिजनेस एड्रेस पूछ रहा है, तो यहां पे बिजनेस एड्रेस मैं अपना ही डालूंगा। अभी हमारा बिजनेस एड्रेस नहीं है, सो हम घर का रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो यूज कर रहे हैं। पूरा एड्रेस आ जाएगा। ओके, सो यहां पे फोन नंबर मांग रहे हैं।
यहाँ पे आएगा जीरो ओके okay. अब ये भेजेंगे वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे सिलेक्ट सेंड कोड यहां पे ये दबाऊंगा तो कोड आएगा। अच्छा जी कोड आ गया, अभी थोड़ा टाइम लगे लेकिन कोड आ गया 7 6 8 5 3 9 ओके okay, इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। ओके okay, अब वो और भी चीजें पूछ रहे हैं। फिल इन द फील्ड्स एंड इंग्लिश कैरेक्टर्स ओनली सो सिक्योरिटी डिटेल्स। सो पासवर्ड वो कह रहा है पासवर्ड रख रहे हैं। सो पासवर्ड मैं वो वाला चूज करता हूं जो मुझे याद रहेगा एंड पासवर्ड को रिपीट करना है एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो वो पूछता है हाउ ओल्ड वॉज योर फादर व्हेन यू वर बॉर्न दैट्स अ बिट डिफिकल्ट इन व्हिच सिटी डिड यू गेट मैरिड व्हिच इज नॉट मैरिड व्हाट टाइम वॉज योर फादर बॉर्न एंड सो लेट्स जस्ट पुट लाहौर वेयर आई लिव। नहीं तो क्वेश्चन हम कंट्री ऑफ नेशनैलिटी सो यहाँ पे यूके आएगा हमारे केस में, आपके केस में आएगा पाकिस्तान या जहां पे भी आप पैदा हुए हो। सो यहां पे हम डालेंगे यूनाइटेड किंगडम। बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी आएगी नॉट एफिलिएट मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स सेल ऑफ फिजिकल गुड्स। आई थिंक वो भी सेल ऑफ फिजिकल गुड्स बिकॉज हम फिजिकली कुछ चीजें बेच रहे हैं, सर्विसेज नहीं ऑफर कर रहे या सेल्स और मार्केटिंग नहीं कर रहे। सेल्स भी आ सकती है बट वी नॉट आई थिंक इट विल बी दिस वन। ठीक है ये बहुत रीजनेबल लगता है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट पर्सन कंट्री, सो द कॉन्टैक्ट पर्सन कंट्री विल बी ऑल्सो यूके। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते दूसरी चीजें डाल के। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे हैं तो वो मैं लेके आता हूँ, अभी दूसरी जगह पड़ा हुआ है। ओके फ्रेंड्स नंबर मिल गया तो उसको डाल दिया मैंने अभी। प्लीज एंटर द कोड बिलो। सो कोड जो नजर आ रहा है वो 6 Romeo Yankee Sierra Kilo एंड लेट्स मूव ऑन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सिंपल और इजी फॉर्म है, कोई मुश्किल नहीं है। सो ये कंपनी अकाउंट हम बना रहे हैं। ठीक है अब यहां पे बैंक कंट्री, कौन सी कंट्री के अंदर आप बैंक चाहते हैं। आई थिंक यूके इज फाइन। कौन सी करेंसी के अंदर, यूके इज फाइन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स फाइन। फॉर बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन गाइड सो यहां पे कौन से बैंक के साथ हम जाएंगे। सो लेट्स गो विद रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। वो click this and get a guide. This field should include the full name of your bank in England letters. Account name, this field should include the full official name under which your bank account is registered, exactly as it appears on your bank statement. Account name should contain English letters and numbers only. So, ये पूछ रहा है कि अगर आपका bank account already है, तो ये उसकी details मांग रहा है, ठीक है? Please provide your bank details. This will let you receive funds to your bank account. You'll later have the option to order pay on your prepaid card if eligible. So, इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको skip कर दें, लेकिन इसको ये skip करने नहीं देगा। ओके अगर आप इंडिविजुअल खोलेंगे तो ये चीज नहीं मांगेगा, क्योंकि कंपनी अकाउंट खोल रहे हैं तो ये चीज मांग रहे हैं। वो अस्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो इसलिए मैं ये अकाउंट की डिटेल्स लेके आता हूँ। एक 2-3 मिनट लगेंगे और वो डाल देते हैं, नहीं तो तब तक ये जो बटन है ये आगे नहीं जाने देगा।
सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल्स मैंने अंदर डाल दी हैं जो यहाँ का अकाउंट है, तो इसको सबमिट कर देते हैं। ये सबमिट करने के बाद फिर ये हमें बताएंगे कि अकाउंट खुलता है कि नहीं खुलता। अच्छा, अब आपके पास जाहिर है यूके का कोई पर्सनल बैंक अकाउंट तो नहीं है, तो आप यहाँ पे वो डिटेल नहीं डाल सकते। सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से कोई भी बैंक ऑफ इंग्लैंड यहां से चूज करके, बैंक ऑफ इंग्लैंड का चूज कर लें या कोई भी इनमें से चूज करके, और गूगल में जाके और ये फेक डेटा डाल दें तो उसके साथ भी चल जाएगा। बिकॉज ये लोग सिर्फ इसलिए आपसे ये अकाउंट डिटेल्स मांग रहे हैं कि जब आप अपने इस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करेंगे पेनियर के अंदर, जो अभी खोल रहे हैं हम अकाउंट, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इन्होंने हमें ऑप्शन नहीं दिया कि ये हम ना करें, लेकिन इन्होंने कंपलसरी कर दिया बिकॉज कंपनी अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट खोल रहे होते तो फिर इन्होंने ये चीज नहीं की मांगनी। ठीक है, तो अगर आप कंपनी का अकाउंट खोल रहे हैं तो ये आप डेटा जो है फेक भी डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, ना वो चेक करेंगे ना वो इसको वेरीफाई करेंगे, तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सबमिट द फॉर्म नाउ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो योर पेनियर अकाउंट एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इज नाउ बीइंग रिव्यूड। यू वांट अ पेनियर मास्टर कार्ड, लर्न हाउ टू ऑर्डर वन। यू नाउ सेट अप द एप्लीकेशन प्रोसेस, रिव्यू इज इन प्रोसेस, एंड देन बाय टुमारो और द लेटेस्ट बाय ट्यूजडे इंशाल्लाह ताला वी विल हैव कंफर्मेशन बाय ईमेल और हमारा अकाउंट खुल जाएगा। तो जैसे ही अकाउंट खुल जाएगा देन हम इंशाल्लाह ताला फिर पेमेंट्स जो है वो रिसीव कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमें और कहीं लेके जा रहा है। ओके, सो हम साइन इन करके देखते हैं स्टेटस क्या है। वैसे तो अभी पता नहीं, एकदम इंस्टेंटली तो कभी कभी इंस्टेंटली भी खोल देते होते हैं। लेट्स सी। Let's go to my account. Okay. कर क्या रहा है? Let's sign in. सेकेंड लेयर ऑफ वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। अगर यहां पे मैं करता ओके तो फिर उन्होंने हर दफा पूछना था कि आपके मोबाइल के ऊपर कोड आएगा तो वो डालें, तो सुनो लेटर ये करना तो पड़ेगा। तो लेट्स सी, अब अकाउंट में लॉग इन किया तो वो और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहां पे हम फिलअप कर देते हैं। इन विच सिटी वॉज योर ग्रैंड मदर बॉर्न? सो यहां पे लिख देते हैं लाहौर। And next question, what is the first name of your grandfather? So we'll put her grandfather's name in. Okay, so इसको submit कर देते हैं। अब ये मेरा ख्याल है हमारी information अब पूरी हो गई है उनके पास। ओके, सो फिजा अली पिज़्ज़ा बॉक्स। ठीक है, अब ये अकाउंट आ गया है हमारे सामने। यू हैव इंफॉर्मेशन टू सबमिट इन वेरिफिकेशन सेंटर। अच्छा, यहाँ पे अब वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ऑब्वियसली दे वांट सम आइडेंटिफिकेशन, सो हम इसको दबाएंगे। और देखते हैं क्या मांग रहे हैं। Account approval. What is the problem? We have reviewed your application and just need more details to approve your account. Okay, so ultimate beneficial owner. Provide the requested details about your company's UBO if any exist. A UBO is an individual who owns 25% of the equity in the company. If your company doesn't have any individual UBO, complete the section below titled Executive Manager. So, ye wala part nahi hum fill karenge aur na ye wala karenge na ye wala karenge.
ना ये वाला करेंगे, डायरेक्ट हम एग्जीक्यूटिव मैनेजर के ऊपर जाएंगे। सो इसको हम दबाएंगे, एंड पासपोर्ट को ओके कर देंगे, और पासपोर्ट की अब मैं लेके आता हूं कॉपी, और इसको यहां पे डालते हैं। ओके गाइस, सो वी क्लिक द प्लस साइन एंड वी विल गो टू द डेस्कटॉप, एंड यहां पे कहीं पे पासपोर्ट की कॉपी पड़ी होगी, ये है, तो इसको पकड़ के यहां पे डाल देंगे। ओके, यहां पे लोड हो गया, और इसको सबमिट कर देंगे। ओके, सो अभी ये कह रहे हैं कि वी रिसीव योर जस्ट अ फ्यू आइटम्स लेफ्ट बिफोर योर अकाउंट कैन बी अप्रूव्ड। सो बिजनेस डिटेल क्वेश्चनेयर, बेनिफिशियरी ओनर, बेनिफिशियरी आईडी, कंपनी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, सो ये सारा भरना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड इसको फिल इन करना शुरू करते हैं, बिजनेस डिटेल क्वेश्चनेयर, ठीक है, इसको फिल करते हैं पहले। ओके, ओके, सो वो अच्छा, ये हमने कर दिया है, ठीक है। यहां पे हमने एक चीज डाल दी है, वो गायब हो गई है, जो पासपोर्ट की कॉपी मांग रहे थे, अब एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स मांग रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो जो डिटेल मांग रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं फिल कर देता हूं, थोड़ा स्लो चल रहा है कंप्यूटर। सो इसको सरनेम को इधर नहीं था डालना, रोल इन द कंपनी, सो यहां पे सीईओ लिख देते हैं, और सीईओ की जगह ओनर लिख देते हैं। काउंटी, काउंटी नहीं आ रही यहां पे, ड्रॉप डाउन से लेनी पड़ेगी, यूके आ जाए, और मे बी स्कॉटलैंड के नीचे आए, मे बी स्कॉटलैंड नहीं आया। सो यूनाइटेड किंगडम आएगा, ओके, नेशनैलिटी यहां पे आएगी यूनाइटेड किंगडम अगेन, डेट ऑफ बर्थ यहां पे आएगी 0410201, आईडी नंबर अभी इसको ढूंढ के लाता हूँ, आईडी नंबर को, अच्छा यहाँ पे आईडी नंबर लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी आईडी, हमारे वहां पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी भी हो सकती है, पासपोर्ट भी आईडी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई थिंक आई विल पुट द पासपोर्ट आईडी इन, सो लेट्स जस्ट ग्रैब द पासपोर्ट डिटेल्स, अच्छा जी 539027865, ओके, इसको सबमिट कर देते हैं। अच्छा जी, अब बेनिफिशियरी ओनर डिटेल्स, इसको खोलते हैं।
ओके यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे बिकॉज बेनिफिशियरी ओनर कोई भी नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है। सो गवर्नमेंट इश्यूड आईडी, दोबारा से मांग रहे हैं, पासपोर्ट, लेट्स जस्ट क्लोज दिस, लेट्स जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। ओके सबमिट कर देते हैं इसको। ओके कंपनी वेरिफिकेशन हो गया, ये हो गया, अच्छा बहुत घटिया सिस्टम है इनका, क्योंकि ये काफी चीजें मैंने कर ली हैं और ये बार बार अभी वही शो कर रहा है, इसको यहां पे एलिमिनेट हो जाना चाहिए। सो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वेरिफिकेशन लेटर, वी डोंट नीड दिस, पोजीशन, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, कंपनी एड्रेस वेरिफिकेशन, कंपनी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये कर देते हैं क्योंकि कंपनी का जरूरी है। ओके सो लेट्स गो फॉर अ बैंक डॉक्यूमेंट एंड इसकी बैंक स्टेटमेंट करते हैं। ओके गाइज यहां पे मैं अदर लीगल डॉक्यूमेंट डालने लगा हूं जो कि फॉर्मेशन कंपनी ने भेजा था, शेयर सर्टिफिकेट जिसके ऊपर नाम और कंपनी का एड्रेस अवेलेबल है, और इसको हम कर देते हैं सबमिट। एक्सक्यूज मी, ओके सो वो भी चला गया। अब कंपनी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है इधर आ जाते हैं। सो यहां पे अब दोबारा उसी पेज पे चला जाता है और यहां पे कंपनी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स डालते हैं। यहां पे वो मांग रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस लाइसेंस, टैक्स डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ कंपनी एक्टिविटी, IRS, EIN, यानी कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट। सो अभी हम देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है इसके लिए। सो लेट्स हैव अ लुक, इसके अंदर देखते हैं क्या अवेलेबल है। सो लेट्स सी, कंपनी सर्टिफिकेट, ठीक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सो ये सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन होगा, ठीक है इसको हम उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, कंपनी सर्टिफिकेट, इसको सबमिट कर देते हैं। मेरा ख्याल है बाकी के भी भेजने पड़ेंगे। एक दफा फिर चेक कर लेते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है सब कुछ चला गया। प्रोवाइड योर पोजीशन और टाइटल विद इन द कंपनी, सो यहां पे आके और बिजनेस डिटेल क्वेश्चनेयर ये भर दिया, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, पोजीशन, टाइटल, ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन, अच्छा ठीक है ये सब कुछ चला गया। सो आई थिंक सब कुछ उनको चला गया, अभी यहां पर हमने और कुछ भी नहीं करना। वैसे इनकी जो वेबसाइट है और जो इनका एप्लीकेशन है बहुत ही घटिया है, इनको बताना चाहिए कि क्या क्या उनको मिल गया और क्या चीज रह गई है। अभी यहां पे दोबारा से वो सारी चीजें अभी आ रही हैं। सो बिजनेस डिटेल क्वेश्चनेयर हमने फिल कर दिया हुआ है लेकिन वो फिर भी मांग रहे हैं फिर से दोबारा, बट लेट्स हैव अ लुक वंस मोर।
और नहीं ये सॉरी ये नहीं पढ़ा हमने, व्हाट डू यू मेनली यूज योर ट्रेनियर अकाउंट फॉर? टू रिसीव फंड्स फ्रॉम मार्केट प्लेसेस, ठीक है, टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, टू पे सप्लायर्स, टू एक्सेप्ट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, टू कंसोलिडेट एंड मैनेज करेंसीज, ठीक है, ये सारे हम पढ़ देते हैं. सिलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर लाइन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे आके तो सेल ऑफ फिजिकल गुड्स यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है. एंटर योर बिजनेस वेबसाइट डोमेन, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का होगा पिज़्ज़ा बॉक्स डॉट कॉम, ठीक है. व्हाट्स योर कनेक्शन टू द वेबसाइट प्रोवाइडेड, आई ओन इट. एंड डू योर बिजनेस हैव एनी एडिशनल वेबसाइट, नो. टेल अस अबाउट योर बिजनेस ऑपरेट्स, who are your customers and what they are paying for. Amazon customers paying for goods I sell online, ठीक है. In what region does the majority of your business activity take place? So we will go North America. What is your business average total monthly? At the moment 0 to 5,000. And on average, how many payments do you typically receive each month? Let's say 21 to 50. And let's go next. Okay, something unexpected happened. As I said, इनकी website बहुत ही घटी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है. अकाउंट अप्रूवल, लेट्स गो बैक टू द बिजनेस डिटेल्स क्वेश्चनियर एंड अगेन वी हैव टू फिल आउट. सो रिसीव फंड्स फ्रॉम मार्केट प्लेसेस, सो लेट्स जस्ट पुट दैट इन. एंड यहां पे सेल ऑफ फिजिकल गुड्स, यहां पे वेबसाइट का, I own it. Does your business have a no? We don't. Tell us about your business operates. Who are the customers in Amazon? Pay for goods I sell online. Okay. In what region is your? And we're gonna go in North America. What is your business average? Let's say one. We'll go up to 10,000 and let's say 20 payments each month. Obviously, एक ही payment आनी है. दो payment जल्द जल्द Amazon वाले pay करते हैं. Perfect. Just few items left before we can approve you. So ये सारी चीजें दोबारा मांग रहे हैं. Obviously, we don't need to fill these in. Authorized representative letter, let's go to position and title. Provide your position and title within the company. Okay, so let's see, CEO. And let's say owner CEO, and let's say submit. काफी complicated कर दिया इन्होंने company का account खोलने के लिए. मैंने individual खोला था, बहुत simple straightforward था. So just a few more items left before ये करेंगे. अभी भी ये सारा कुछ मांग रहे हैं. I think मैं give up करके यहाँ पे ऐसे छोड़ देता हूँ, because ये चीजें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, because we don't have a second shareholder. So let's see, मैं इनके जवाब का वेट करता हूँ. जब इनका जवाब आएगा तो फिर वहां से इंशाल्लाह ताला we will see what happens. But I will definitely update you guys. So आप लोगों को पता हो कि what they said and how things went. So यहाँ पे नजर आ रहा है history submitted, submitted, submitted. So everything has been submitted and inshallah ताला let's log out and we'll take it from that. Okay guys, thank you so much. Just before I go, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified by YouTube
as soon as the new video has been uploaded by myself. In the meantime, I also have a Telegram group where we have so much data, so much information. If you're learning about Amazon, then it's one of the best places you can ever go. I'm going to leave a link in the description at the bottom, so you can click that link, and you're most welcome to our group, and you can meet the community there. You can see the posts there, and you can also get access to loads and loads of data, and you can ask loads of questions from people that are already in that group. Okay guys, take care, have a nice day, and I'll see you in my next video, inshallah. Allah Hafiz.